हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्लेस वेर यू वुड लाइक टू गो टू रिलैक्स, यानी ऐसी कोई जगह का वर्णन कीजिए जहां पे आप रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए जाना चाहते हो। और अंदर की क्यूज हैं वेर इज इट, ये जगह कहां पर है, आपको ये भी बताना पड़ेगा ये जगह कौन सी है। वेर वुड यू लाइक टू गो, आप कहां जाना चाहते हो। And what would you like to do there? वहाँ जाके आप क्या करना चाहते हो। And explain why would you like to go to this place? आप ये जगह पे क्यों जाना चाहते हो। So ऐसी कोई जगह जहाँ पे हम relax कर सकते हैं और हम जाना चाहते हैं, mostly ये जो cue card है you will have to talk explaining it in the future tense. So आप जाना चाहते हो, so आपकी इच्छा बता रहे हो कि you would like to go there to relax. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। Well, in our lives full of hustle bustle, there are very few places that are meant for peace and relaxation. हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पे हमें शांति और आराम मिलता है। Hustle bustle यानी भागदौड़, peace तो आप जानते हो शांति, relaxation यानी आराम। I am going to talk about one of my favorite places. मैं मेरी एक मनपसंद जगह के बारे में बात करने वाला हूँ। That place is my farm, my friend's farm. So, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मेरा खेत है या फिर मेरे दोस्त का खेत है। अगर आपके पास खेत नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं है, कोई आके चेक नहीं करने वाला कि आप सच में कोई फार्म के मालिक हो या नहीं। सो नो नीड टू हेजिटेट, यू कैन आराम से से दैट प्लेस इज माई फार्म। अगर आपको हेजिटेशन होता है तो आप कह दो मेरे दोस्त का फार्म है। इट इज़ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ माई सिटी, ये मेरे शहर के थोड़े बाहर है। द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड माई फार्म इज रफली 25-30 किलोमीटर। सो मेरे घर से मेरा खेत करीब करीब 25-30 किलोमीटर है। So it is not very far and thus easy for me to go there often. इसलिए ये बहुत दूर नहीं है और मेरे लिए यहाँ पे बार बार जाना आसान है। तो अब आपने पहले दो जो क्यूज है वो आंसर कर दिए है कि ये जगह कौन सी है और ये जगह कहाँ पर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्यूज आंसर करेंगे। माई फार्म इज अ वंडरफुल प्लेस। सो अब आप फार्म को डिस्क्राइब कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हो ये जगह को डिस्क्राइब करने के लिए। सो मेरा खेत एक बेहतरीन जगह है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 200 स्क्वायर मीटर्स। सो ये 200 स्क्वायर मीटर्स उसका एरिया है। इट इज लश ग्रीन, पिक्चरस्क एंड फैसिनेटिंग। ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। हरा भरा है मेरा फार्म, चित्र खींचने जैसा है और मनमोहक है। It has lots of mangoes and coconut trees. So, यहाँ पे बहुत सारे आम और नारियल के पेड़ हैं। आप कोई और पेड़ के बारे में भी बोल सकते हो। I relish the mangoes in summer. Summer season में ये आम का मैं मजा लेता हूँ। There is also a small farmhouse, a well and some domestic animals on my farm. So, खेत पे एक छोटा सा घर है, फिर एक कुआ है और कुछ पालतू प्राणी भी है। I am a nature lover and the peaceful, pleasant and cool atmosphere of the farm makes it the best place to relax and rejuvenate. मैं कुदरत का चाहक हूँ और खेत पे जो शांति और खुशनुमा वातावरण है, ठंडा वातावरण है, ये मेरे लिए रिलैक्स और रिजुविनेट करने की बेस्ट जगह बन गई है। आगे देखेंगे। I will make it a point to visit my farm every weekend. So मैं ट्राई करूंगा कि मैं every weekend पे मेरे फार्म पे जाऊं। I wish to go there mostly with my family. So, मैं मेरे फैमिली के साथ यहाँ जाना चाहता हूँ। भले ही पूछा नहीं है किसके साथ जाना चाहते हो, इट विल बी अ गुड आइडिया टू से ऑल दिस सो दैट आपके लिए बोलने को कुछ रहेगा। However, on some special occasions, I can also go there with my friends. कुछ खास ओकेजन्स पे मैं अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पे जा सकता हूँ। My friends also love the place a lot. मेरे दोस्तों को भी ये जगह बहुत पसंद है। I feel at ease in my farm. मैं मेरे फार्म में बहुत ही आराम महसूस करता हूँ। The swing in my farm is a restful experience. So, मेरे खेत पे एक झूला है जहाँ पे मुझे बहुत ही आरामदायक अनुभव होता है। Since my farm is outside the city, the sky is clear. क्योंकि मेरा फार्म शहर के बाहर है, वहाँ का sky बहुत clear है, यानी pollution से दूर है। We can enjoy the blissful sunrise and sunset. So, मन को अच्छा लगे ऐसा सूर्योदय और सूर्यास्त हम यहाँ पे enjoy कर सकते हैं क्योंकि sky clear है। The breeze is cool and swift. ब्रीज यानी हवा, हवा ठंडी और तेज है। द नाइट्स आर डार्क एंड क्वाइट, जो रात है वो बहुत ही अंधकारमय और शांत होती है। आई वॉन्ट टू एंजॉय द नेचर एंड डू सम बेसिक थिंग्स देयर। मैं वहाँ पे नेचर को एंजॉय करना चाहता हूँ और कुछ बेसिक चीज़ें करना चाहता हूँ।
स्लीपिंग अंडर द ओपन स्काई इन द फार्म गिव्स अ ट्रैंक्विल फीलिंग. सो जब मैं खेत में खुले आकाश के अंदर सोता हूँ तो मुझे बहुत ही ट्रैंक्विल यानी बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है. हियरिंग द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स एंड फ्लोइंग ऑफ वाटर इज सूदिंग टू द सोल. पक्षी जब बोलते हैं, चर्प करते हैं, और पानी का जो बहाव होता है, उसकी जो आवाज़ है, उसके फ्लो की, वो मेरे आत्मा को बहुत ही शांति देता है. माई फार्म हाउस इज ऑल्सो अ सेरीन प्लेस विथ वार्म एंड कलरफुल फ्लावर्स. सो यहाँ पे बहुत सारे वार्म और रंग बिरंगी फूल है और इसलिए जगह बहुत ही शांत है, सेरीन है. आई सिंपली लव दिस प्लेस एंड इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर रिलैक्सेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल. मैं इस जगह को बहुत प्यार करता हूँ और ये जगह मेरे मन, मेरे शरीर और मेरी आत्मा के लिए रिलैक्सेशन की जगह है. आई फील रिचार्ज्ड whenever I visit my farm. जब जब मैं अपने फार्म को विजिट करता हूँ, मैं रिचार्ज हो जाता हूँ. I just love my farm for these reasons and hence would like to go there to relax myself. So इन कारणों की वजह से मैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए जाना चाहता हूँ. मैंने बहुत सारे नए नए शब्द और एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है. अगर आपको सभी याद नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, इसमें से अगर आप 5-6 नए वर्ड्स भी याद रखोगे, देन ऑल्सो इट्स फाइन. अगर आप इस क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट मी टू परचेज माई बुक. अगर आप मेरे आइडियाज़ की PDF बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है माई बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809. यू कैन ऑल्सो पर्सनली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. ये बुक में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, क्यू कार्ड्स के आइडियाज हैं और फॉलोअप क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी है. रिमेंबर, confident speakers always score high in their IELTS exam and this book will not only boost your confidence but give you unique ideas for cue cards, simple and appropriate vocabulary especially adjectives and thoughtful follow-up questions. Do not wait and contact me on 7433016809. If you wish to practice your speaking skills and want to give a mock examination, then you can contact me on 7433016809. After your mock examination on the speaking module, you will get a feedback on your performance on the basis of lexical resources, pronunciations, grammatical range and accuracy, and fluency. Do not wait and book your mock exam right now. अगर आपको इस क्यू कार्ड से लेके कोई questions या comments है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. प्लीज गिव मी अ लाइक सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स, प्लीज राइट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप मेरे पास पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, देन मुझे संपर्क कीजिए 7433016809 पे. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.